ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए माल्टा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर किया करेंगे। सो माल्टा डेस्टिनेशन का क्या बेनिफिट है, पहले ये समझो। माल्टा एक शेंगेन कंट्री है, एक टूरिज्म कंट्री है, सो जॉब्स की पॉसिबिलिटीज ऑन अ हायर साइड। शेंगेन होने के कारण आपको एक्सेस मिलेगा 27 कंट्रीज का। रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे कम 10+2 तीन साल तक का गैप चल सकता है। परसेंटेज मैटर नहीं करती, चाहे 40% है और चाहे 50% है। आईलेट्स पीटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों का छोटा सा इंटरव्यू एम्बेसी में हो सकता है, क्योंकि आपको पर्सनली फाइल जमा कराने जाना पड़ेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी ज़रूरी है बेसिक वाली। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप MBA प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं, 8-10 साल का भी गैप चल सकता है। किसी तरह के आईएलटीएस पीटी या TOEFL दोनों केस में ज़रूरत नहीं है। और ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपने सारे पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद, मतलब वीज़ा लगने से पहले जीरो। 27 कंट्रीज का आपको एक्सेस मिलेगा, कहीं पर भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और इटसेल्फ माल्टा के अंदर ही आप स्टडी के बाद वर्क परमिट्स हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर अपना परमानेंट रेजिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप आने वाले माल्टा अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं और इस इनटेक को पकड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मिस ना करें। तुरंत ब्रॉडवे टीम को कॉल करें और अपनी एप्लीकेशन को लेके मिलें। थैंक यू। ब्रॉडवे तो असी शुरू कर रहे हैं एक वीज़ा ड्राइव, जिदे विच मैं परसनली सारे ब्रॉडवे ऑफिसिज दे विच विजिट कर रहा। 15 अक्टूबर तो जम्मू शहर तो शुरू होवांगे, फिर उस तो बाद अमृतसर, जलंधर, लुधियाना। लिस्ट तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो, डेटा नोट कर सकते हो, शहर नोट कर सकते हो, एड्रैस टीम तो लै सकते हो। सो अपने स्टडी वीज़ा नूं लैके तुसी कनैक्ट कर सकते हो और परसनली मेरे नाल मिल सकते हो। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।